हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में अभी तक हमने जाना कि कैसे ओल्ड इंग्लिश से लेकर एज ऑफ चौसर तक एक न्यू लैंग्वेज इंग्लिश एज अ लैंग्वेज स्ट्रगल किया चौसर ने कैसे अलग अलग डायलेक्ट अलग अलग लैंग्वेज से वोकेबलरी बोरो किए और लास्टली इंग्लिश को एज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज इस्टेब्लिश किया और फिर हमने यह भी जाना कि कैसे चौसर ने फ्रेंच राइटर इटालियन राइटर से इन्फ्लुंस होकर वर्क्स पब्लिश किए जो कि मैक्सिमम उनका वर्क कॉपीड या बल्कि कुछ ओरिजिनल वर्क जैसे कैंटरबरी टेल्स जो कि वोकैसियो के ही वर्क से इन्फ्लुएंस होकर वर्क लिखे जो कि एक बिल्कुल ही नया क्रिएशन था उनका ओरिजिनल वर्क था इंग्लिश लिटरेचर के लिए और कह सकते हैं कि ये पहला ओरिजिनल वर्क इंग्लिश लिटरेचर के लिए था चौसर के इस ओरिजिनल वर्क के बाद कोई भी ऐसे बड़े राइटर नहीं हुए जिन्होंने कोई भी ऐसा वर्क लिखा हो जो उनका खुद का क्रिएशन हो या उनका कोई ओरिजिनल वर्क मैक्सिमम राइटर ऐसे थे जो कहीं ना कहीं चौसर को ही कॉपी किए और इस कारण उन्हें इंग्लिश चौसेरियन या स्कॉटिश चौसरियन कहा गया और ये राइटर चौसर के ही ड्रीम कन्वेंशन, एलेग्री और उनके आइडिया को ही अपने वर्क में जगह दे पाए और इन्हीं कारणों से राइटर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में कोई खास जगह नहीं बना पाए और इस कारण से ये माइनर राइटर हैं इन्हें माइनर राइटर के में कंसिडर किया गया है वो राइटर जो की या तो चौसर के कंटेम्प्रेरी राइटर है या फिर पोस्ट चौसेरियन राइटर के नाम से जाने जाते हैं अभी आपके स्क्रीन में कंटेम्प्ररी राइटर के कुछ लिस्ट हैं पोएट्री राइटर में विलियम लैंगलैंड जॉन गोवर प्रोज राइटर में जॉन ऑफ ट्रेविसा ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मैंड चौसर के एज में यही दो राइट लिटरेरी फॉर्म्स यानी पोएट्री और प्रोज लिखे जा रहे थे लेकिन आगे हम जानेंगे कि कैसे कैसे और भी फॉर्म्स जैसे ड्रामा सोनेट्स बैलेट इत्यादि इंग्लिश लिटरेचर में शामिल होते चले गए और बाद में यानी एलिजाबेथन एज में ड्रामा सोनेट मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर्म के रूप में साबित हुए खूब ज्यादा पसंद किए गए लोगों के द्वारा और पॉपुलराइज हुए लेकिन चौसर के ठीक बाद कोई भी ऐसे बड़े राइटर नहीं होने के कारण या कोई भी बढ़िया ओरिजिनल वर्क पब्लिश नहीं होने के कारण इंग्लिश लिटरेचर के लिए ये डार्क एज कहे जाते एज ऑफ बैरन कहे जाते हैं अलग अलग स्कॉलर्स अलग अलग हिस्टोरियंस इस एज को अलग अलग नाम देते हैं अपने हिसाब से इस कालखंड को अलग अलग करते हैं और स्कॉलर्स या हिस्टोरियंस इस एज को एज ऑफ होने के अपने अपने रीजन देते हैं डब्लू एच ऑडेन ने 1450 हंड्रेड फोर्टीन हंड्रेड टू फिफ्टीन फिफ्टी फाइव को एज ऑफ बैरन कहा है इटालियन राइटर पेट्रार्क ने डार्क एज कहा है इसके पीछे उन्होंने अपना थे दिया है पेट्रार्क के अनुसार कि ये वो समय था डार्क एज जब इस टाइम 1453 में बेंजेंटियम एम्पायर ऑटम एम्पायर के अधीन हुए थे और 53 डेज के सीज के बाद जितने बड़े बड़े वेल लर्नड पीपल थे जिन्हें मोस्ट टैलेंटेड मोस्ट क्रिएटिव पीपल मोस्ट लर्नेड पीपल के रूप में जाने जाते हैं वे अपने साथ अपने लर्निंग अपने नॉलेज को अलग अलग कंट्री की ओर मूव किए जो बाद में एज ऑफ रिवाइवल एज ऑफ रेनेसा के रूप लिया और लिटरेचर के फील्ड में एक से भरकर एक डेवलपमेंट देखा गया बहरहाल इस चीज को पेट्रार्क ने एज ऑफ टार्कनेस को खूब पॉपुलराइज किया लेकिन इंग्लैंड की धरती में भी कुछ इसी तरह के सीन चल रहे थे जहाँ पर हंड्रेड इयर्स ऑफ वार यानी 1337 थर्टी सेवन टू फोर्टीन फिफ्टी तक जो हंड्रेड ईयर ऑफ वार लड़ा गया और इस हंड्रेड ईयर ऑफ वार के कारण पॉलिटिकल टर्बुलेंस के साथ साथ लिटरेचर को भी गहरा इम्पैक्ट हुआ आप इस चीज को यूक्रेन एशिया युद्ध का जो अभी वर्तमान में चल रहा है उससे रिलेट कर सकते हैं कोई भी कंट्री अगर इतने लंबे समय तक वार में इन्वॉल्व रहेगा तो कैसे लिटरेट डेवलपमेंट हो सकेंगे और फिर ये तो लगभग सौ सालों तक लड़ा जा रहा था तो फिर कैसे लिटरेचर के फील्ड में कुछ नया लिखने को सोच भी सके। हंड्रेड ईयर ऑफ वार के खत्म होते ही वार ऑफ रोजेज शुरू हो गए यानी 1337 थर्टी सेवन टू फोरटीन के ठीक तीन साल बाद यानी 1455 फिफ्टी फाइव टू फोर्टीन के बाद एक और नया वार शुरू हो गया जो आपस के ही दो डायनेस्टी दो खानदान के द्वारा लड़ा जा रहा था इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में 1400 यानी चौसर के मरने के बाद 1485 तक एज ऑफ बैरनेस का प्रमुख बड़ा रीजन वार्स माना जाता है इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग थे जो न्यू लर्निंग न्यू थॉट्स न्यू होरिजन न्यू डेवलपमेंट के लिए लगातार कम काम कर रहे थे और इस कारण से इस एज को यानी 1450 के बाद के एज को एज ऑफ रिवाइवल कहा जाता है और इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस को इंग्लैंड में इस्टेब्लिस किया और फिर हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय की शुरुआत के साथ साथ खूब ज़्यादा हिस्ट्री हि, लिटरेरी बुक्स को प्रिंट कर किया जाने लगा और इस कारण से लिटरेचर को इजी टू रीड बनाया जाने लगा और फिर अब लोग नॉलेज को लर्निंग को अपने लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंस देने लग गए थॉमस मोर जो एक फेमस राइटर थे उन्होंने शुरू किया कुछ नया लिखने के लिए उनका फेमस वर्क यूटोपिया जो कि वर्ल्ड फेमस वर्क है जिसे 1560 में लैटिन में लिखा गया फिर बाद में इसे बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किए गए और रॉल्फ रॉबिन्सन के द्वारा 1551 में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया जिसमें डी इरासमस सुपरवाइज़र के रूप में उन्होंने काम किया और इस वर्क को यानी यूटोपिया को प्रोलॉग टू द रेनेसा भी कहा जाता है इसके अलावा विलियम टिंडल जो एक ऐसे राइटर थे जिन्होंने पहली बार न्यू टेस्टामेंट बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट आपको बता दें कि जॉन विकलिप ने ओल्ड टेस्टामेंट को ट्रांसलेट किया था अपने वर्नाकुलर लैंग्वेज में जबकि इन्होंने न्यू टेस्टामेंट को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और इन्हीं के बेसिस बेसिस पर बाद में ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल यानी 1611 में बाइबल को पब्लिश किया गया थॉमस मेलोरी जो अचानक फेमस हो गए थे कैक्सटन के प्रिंटिंग प्रेस के स्टैब्लिश होने से ये बिलोंग करते थे वर्चेस सायर फैमिली को जिन्होंने वार ऑफ रोजेस में दोनों की तरफ से लड़ाई लड़ी थी एक वर्क जिसके लिए वो जाने जाते हैं इंपॉर्टेंट वर्क है इनका मॉर्टेडी आर्थर जो कि ट्वेंटी वन अलग अलग बुक्स का कंपाइल्ड वर्जन था जिसे उन्होंने अलग अलग सोर्सेस से लिया था फिर आते हैं नेक्स्ट राइटर फेडियन एंड हॉल रॉबर्ट फेबडियन जो कि क्रॉनिकल्स थे उन्होंने जिनके कारण हम वार ऑफ रोजे जानते हैं इनके क्रॉनिकल्स के कारण इसके अलावा हेनरी शेवन ने भी कुछ वर्क्स पब्लिश कराए जो कि लिरिक्स एंड कंपोज्ड म्यूजिक जैसे वर्क थे बट बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए फिर आते हैं अगेन इम्पॉर्टेंट राइटर शर थॉमस मोर सन ऑफ जॉन मोर जो कि किंग्स बेंच में काम कर चुके थे और इस कारण उन्होंने संत एंटोनीज स्कूल जो कि ट्रेंडल स्ट्रीट में था और यह स्कूल मोस्ट रेप्यूटेड स्कूल्स में से एक था और इसी कारण उन्होंने 21 की उम्र में पार्लियामेंट का मेंबर भी बने थॉमस मोर ने 1510 में लाइफ ऑफ पिको और मेरेंडल था जो कि पहला बुक था क्लासिकल इंग्लिश प्रोज में यूटोपिया को पहली बार प्रिंट किया गया 1516 में लॉवेन में और सेकेंड एडिशन इसका था 1517 में जो कोई रिवाइज वर्जन था थॉमस मोर के द्वारा और इसे प्रिंट किया गया 1518 में फिर आते हैं थॉमस यार्ट इनका जन्म 1503 जीरो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरा किए और यही वो शख्स ये वही राइटर थे जिन्होंने चौसर की तरह किंग की तरफ से इटली जाने का मौका मिला और फिर उन्होंने सोनेट को पहली बार इटली से इंग्लैंड लेकर आए और फिर उनका फ्रेंड सरे ने उन्हें प्रेज किया और उन्होंने क्वाइन किया फोर्स एंड ब्यूटी मेट इस प्रकार याट को सोनेट के लिए इंग्लिश लिटरेचर के लिए क्रेडिट जाता है इटालियन सोनेट से इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करने के लिए इससे पहले इंग्लैंड में सोनेट के बारे में किसी को आइडिया नहीं था जैस लेवर ने इस चीज को क्वाइन किया है ही कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द एलिजाबेथन पोएट्री उन्होंने 31 वन सोनेट्स लिखे उसमें से 19 बड़े ट्रांसलेशन थे इटालियन के और उन्होंने डिफरेंस किया सोनेट्स को लास्ट में दो कपलेट जोड़कर यानी इटालियन सोनेट में और उनके द्वारा जो यहाँ इंडिया, इंडिया सॉरी इंग्लैंड में जो इंट्रोड्यूस किए उसमें जो सोनेट था उसमें कपलेट को जोड़ा ठीक है और इनका जो मेजोरिटी लाइन था वो डेका सेलेबिक में था जबकि इटालियन जो सोनेट था वो नाइन सेलेबल्स था इसके बाद हेनरी हॉवर्ड यार्ड के ही दोस्त और इनके डेसिपल माने जाते हैं इनका चेला माने जाते हैं हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे अर्ल जो कि एक पोस्ट का नाम है पद का नाम ठीक है उनका जन्म 1517 जो कि हॉट ब्लडेड इनका नेचर था बहुत ज्यादा गर्म हो जाने वाले तुक मिजाज जिसको कहते हैं उस नेचर के ये थे और इनके दोस्त के द्वारा जो सोनेट लाया गया था इटली से उस सोनेट को रिफॉर्म किया इन्होंने शरे को याट से बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक माना जाता है यानी वो याट से ज़्यादा टैलेंटेड थे इस कारण से पिंटो ने उसे किया इफ द ग्लोरी ऑफ ब्रिंगिंग द इंग्लिश पोएट्री इट इज टू सरे दैट वी ऑन आवर ग्रेट एपिक एंड ड्रामेटिक मेजर ऑफ ब्लैंक वर्स उन्होंने वर्जिल को भी ब्लैंक वर्स में ट्रांसलेट किया ब्लैंक वर्स अनराइम्ड अनबिक लाइन्स होता है अगर ये चीजें आपको नहीं पता है तो ऑलरेडी हमारे चैनल में मीटर फिट सिलेबल्स इन चीजों से वीडियो बनाया हुआ है इन चीजों से रिलेटेड तो आप उस वीडियो को देखिए एक एक चीज आपको समझ में आएंगे सर ने भी सोनेट लिखे और अपने इमेजिनेटिव लव लेडी एलिजाबेथ फिटजर के लिए और उन्होंने पेट्रारकन मॉडल को फॉलो किया यानी इसके फोर्टीन लाइन का जो सोनेट था अब थ्री क्वार्टर और लास्ट में एंड ऑफ कपलेट को यूज किया और इसी फॉर्मेट को फॉलो किए शेक्सपियर ने और इनके सोनेट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुए याट और सरे को अपने यंग एज में ही डेथ होने के कारण इंग्लिश पोइट्री में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा खास नहीं हो पाया लेकिन उनके सॉन्ग्स एंड सॉनेट को पब्लिश कराया गया पहली बार पब्लिश कराया गया फोर्टीन में जो टोटल्स मिसलि के नाम से ही जा जाना जाता है यानी रिचर्ड टोटल जो कि एक राइटर के साथ साथ कंपाइलर पब्लिशर भी थे उनका खुद का एक पब्लिशिंग हाउस था और इसी के कारण उन्होंने 1557 में टोटल्स में के नाम से 271 सेवेंटी पोएम कलेक्शन को पब्लिश किया जिसमें यार्ड के 27 सेवन 27 सेवन सोनेट्स और सरे के 15 सोनेट्स शामिल थे साथ ही सरे को ब्लैंक वर्स को शुरू कराने के कारण उन्हें इन्वेंट्रो ब्लैंक वर्स कहा जाता है थॉमस सैकविले जो कि एक ग्रेट ह्यूमैनिस्ट और उन्होंने ही इंग्लैंड को फर्स्ट क्लासिकल ट्रेजेडी दिया और वे एक मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट्स के लिए भी जाने जाते हैं इस वर्क के लिए थॉमस थॉमसिले जाने जाते हैं द मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट्स कुछ एजुकेशनिस्ट भी थे जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर के लिए कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दिए उनमें नाम है डेसीडेरियस इरासमस जिनको मोस्ट लर्नेड मैन ऑफ यूरोप माना जाता है डेसीडेरियस इरासमस जो की में उनका जो वर्क था उसके लिए वो जाने जाते हैं लॉन्ग ने इनको क्वाइन किया है और इनके लिए लिखा है अ सॉन्ग ऑफ विक्ट्री फॉर द न्यू लर्निंग विच हैड ड्राइवन अवे वाइस इग्नोरेंस एंड सुपरस्टिशन थ्री फॉर ऑफ ह्यूमैनिटी इसके अलावा रोजर एस एम नॉन फोर द स्कूल मास्टर जो कि ट्यूटर थे क्वीन एलिजाबेथ के और बाद में ये लैटिन सेक्रेटरी बने क्वीन मैरी के और एस एम के पहले क्लासिकल इंग्लिश प्रोज राइटर कहा जाता है इन्हें पहला क्लासिकल इंग्लिश प्रोज राइटर माना जाता है इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी हैं आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक पढ़ते रहो पढ़ाते रहो जय हिंद जय जै भारत जय झारखंड